भाई ये देख लो आप पूरा लद्दाख, ये देखो ये वीडियो ये हम शुरू कर रहे हैं, लद्दाख व्लॉग है ये, लद्दाख ट्रायल। तो ये देखो, देखो फिर से, देखो फिर से देखना, ये देखो ये, अब ये देखो वो पूरी, देखो पहाड़ियां कितनी सुंदर है, सारी तरफ देख सकते हो आप ये ऑफ रोडिंग। और पहली बार ऐसा है कि भाई हम स्विफ्ट से आए हैं, भाई थार थूर की औकात नहीं है इस गाड़ी के आगे, हमने 4x4 बनवा ली है पूरी। और ये देखो, देखो वो एक स्विफ्ट, और देखो सारी स्विफ्ट का ट्रायल चल रहा है यहाँ पर, तो आगे भी स्विफ्ट ही है, डिजायर भी है, ठीक है। ये देखो हमारी थार पानी में गई, वो थार कह रहा हूँ स्विफ्ट, ई रिक्शे वाले भी आए हैं करने। ये देखो भाई ई रिक्शे वाले भी ट्रायल आए हैं करने थार का। सो ये है भाई बारिश के टाइम पे इंडिया, सही बता रहा हूँ, हर जगह लद्दाख बन जाता है, हर जगह आपको आप फुली चैलेंजेस आपके लिए अवेलेबल है। बात क्या है, ना एंशियंट इंडिया में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में वर्किंग सीवेज सिस्टम और रोड्स थे। 21वीं सदी इंडिया में कुछ भी नहीं है। अच्छा, ना सीवेज सिस्टम है ना रोड्स है। खैर मुझे समझ में नहीं आई इसकी इतनी बात लेकिन ठीक सी लगी सुनने में, चल। तो बात तो भाई अम्बाला जा रहे हैं, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आपकी, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम खुद उस वीडियो को बनाने के बाद काफी शॉक्ड में थे, क्या उसके अंदर एक्टिविटी हुई है क्या नहीं हुई। और देख सकते हो अभी ये राकेश है, राकेश भैया कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा टच हो गया था इसको वहां पे, क्या था ना, कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा टच हो गया था इसमें। अरे नहीं नहीं, ये पता क्या कहता वीडियो में, ये भैया कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत भूत पकड़ा के तो नहीं चला गया था इसे, ये खाली एक मजाक है भाई अपने दुखों को कम करने के लिए, ये तो एक छोटा सा मजाक था, बाकी सच्चाई यही है कि भाई पहली बार ऐसी कोई लोकेशन है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हमने कोई प्रैंक नहीं किया था, जो भी हुआ था वो रियल था, और उसी की दोबारा तहकीकात करने अच्छे से, कुछ अधूरा रह गया था, मुझे लग रहा है कि शायद और देर रुकना चाहिए था, या फिर पता नहीं क्या यार, पहली बार ऐसी कुछ एक्टिविटीज हुई ना तो भाई माइंड थोड़ा सा अलग लेवल पे काम करने लगा उस टाइम पर। तो बाकी आशीष भी इस बार आया है, और भाइयों क्या हाल चाल, क्योंकि भाई इसी की खोज थी ये लोकेशन ये खोज बीन के लेके आया था, और पहली ऐसी लोकेशन हमें यार बड़ी बड़ी लोकेशन पे ऐसा फील नहीं हुआ। आशीष को अभी भी बिलीव नहीं है इन चीजों पे, इसलिए मैं जा रहा हूँ स्पेशली भाई, मुझे भी सॉफ्ट सॉफ्ट टच हो थोड़ा अब ऐसा ना हो इस बार हार्ड करके चट टच करा दे वो है भाई तो बाकी भाई चलते हैं, जर्नी बड़ी प्यारी होने वाली है, क्योंकि सिंधु बॉर्डर तो पूरा जाम पड़ा है, लद्दाख की ऑफरोडिंग कर ली है सिंधु बॉर्डर के चक्कर में, लेकिन अभी हम ढूंढते हैं हाईवे कहाँ पे मिलता है, उसके बाद आपसे मिलते हैं रास्ते में, और बने रहिएगा इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ। नमस्कार, हवा की कसम सीधी रोड में पानी भर रखा है, ये पता नहीं भाई कैसे हो रखा है, भाई जाम लगा हुआ है आप देख सकते हैं नजारे आपके सामने, ये देखिए सर ये डूब चुका है पूरा, और हम ये रिस्क नहीं लेंगे, ओए सच में कुछ तैर रहा था उधर, और भाई आगे तक शायद ये ना दिख रहा हो इसमें GoPro में तो भाई बिल्कुल भी, लेकिन पूरा भर चुका है भाई, ये देखो ये देखो ये देखो, हमें गाड़ी का बम्पर है वो गाड़ियों के बम्पर भाई तैर रहे हैं देख लो भाई, अम्बाला कितना है यहाँ से, 80 किलोमीटर दिखा रहा ना, 80 किलोमीटर भाई, ये देखो भाई ये देखो ये भाई रोड है, नदी नहीं है वो देखो वो देखो ये देखो फ्लाईओवर आ गया भाई, फ्लाईओवर आ गया,
फ्लाईओवर आ गया। लेकिन भाई शायद आपको पता नहीं आ रही होगी या वॉइस या नहीं आ रही होगी कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है, सबसे ज़्यादा। और दिन में मैंने इतनी ज़्यादा बिजली कड़कती है ना कभी देखी नहीं है, लेकिन मज़ा आ रहा है भाई। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। विजिबिलिटी मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगी अभी, क्या कहता है? 100 मीटर तो बहुत ज़्यादा बोल दिया तुमने, 50 मीटर अभी पूरा वाइपर चला के। और भाई फिर से हम दूसरी नदी में प्रवेश करते हुए आज ना सारा, मतलब ये लगा लो यार, जो हमारी इतने दिल से तमन्ना थी ना कि हम लद्दाख जाएं, वो तमन्ना कहीं ना कहीं आज पूरी हो गई। बारिश में अब तक कोई ढाबा नहीं दिखा भाई, सड़क का किनारा तो दिख रहा, ढाबा कहाँ से दिखेगा? आंखें हो रही है बंद, क्योंकि भाई मैं तो सुबह 5 बजे सोया था और 9 बजे उठ गया, उसी रात सिर्फ 4 घंटे के लिए। वो आ रहा उठ के आराम से 11:30 बजे, और जबकि जिम से वो निकल गया था 9 बजे बोल के, देख रहे हो, और ये उठा भाई 10:30 बजे 11 बजे ही पूरे। 5 बजे का उठा हूँ मैं। ये भाई ने खुद 10:30 बजे तो नहा रहे हैं, जो बोर्ड करो जा रहे हैं तो। भाई यार कहीं जाओ तो टाइम से निकलो यार। सही बात है यार, बोलने से थोड़ी होता है यार, अमल करो उस चीज पे। दिल पे हाथ रख के बोलते हैं अगली बार। भाई हमारे ग्रुप में अगर कोई सबसे ज्यादा लेट कराता ना तो वो ये लड़का है जो पीछे बैठा है, राकेश। सबसे ज्यादा अगर कोई लेट कराता है तो भाई, भैया आ रहा हूँ चिकन बॉयल कर रहा हूँ, फिर ये आधे घंटे में आ रहा हूँ, भैया भी आ रहा हूँ, फिर ये क्या करेगा, ये जैसे कि इसने पजामा पहन लिया, अब पजामा पहन के पहले थोड़ी देर बैठा रहेगा, फिर जो पोटी आ जाएगी फिर तो मतलब भाई समझ रहे हो टेंट्रम, क्या करा जा सकता है यार। भाई जल्दी क्यों नहीं निकलता तू, जल्दी क्यों नहीं तैयार होता? मैं तो ऑन टाइम होता हूँ भैया, हमेशा कहीं भी जाना हो ऑन टाइम पहुँच जाता हूँ मैं। अच्छा तो लेट क्यों हो रहे भाई हम? वो आप इस बंदे से पूछो, ये शीशे में कौन दिख रहा है, ये आशीष तो भाई अपने आप से पूछो। ओहो अपने आप से। अरे भाई यार अभी मेरे को भी बताओ यार, सुबह बंदा 5 बजे सोया तो तू ये कहना चाहता कि दीपक की वजह से लेट होते हैं और क्या? बिल्कुल सही कहना चाहता। आज तक कभी भी लेट हुआ तो बस आप ही की वजह से हुए हैं, और बोली बस अभी निकल गया आधे घंटे और बंदे आ रहे 2 घंटे बाद। भाई तू 10:30 बजे पहुंच जाए चाहे कुछ हो जाए। भाई मैं बताता हूँ, देखो मैं बता देता हूँ क्या हुआ। मैंने जो थोड़ी सी चीज़ें सोची ना कि कैसे हम जल्दी ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने भाई 9 बजे का अलार्म भरा, मैंने कहा भाई उठते ही सीधा ना घुसने नहाने घुस जाऊँगा फटाफट नहा लूँगा। फिर यार मेरी आँख खुली 7 बजे, ये आया था शायद 7 बजे तू आया था ना, फिर मैंने अलार्म कर दिया 10 बजे। मैंने कहा 1 घंटा यार, मैंने कहा 11 बजे का टाइम दे रखा है तो 1 घंटे में तो हो जाऊँगा मैं तैयार। फिर मैंने अलार्म कर दिया 10:30 का थोड़ी देर बाद, लेकिन भाई मैं एग्जैक्ट 10 बजे उठ गया था, और 10 बजे मैंने उठते ही मैंने भाई नहा लिया मैं फटाफट। नहीं 10 बजे उठते ही तूने बोला अब तू नहा। हाँ, और जब मैंने कॉल किया ना बाथरूम में कह रहा मैं नहा रहा हूँ अभी, तो मैंने कहा मैं तो पहुँच गया, मैंने जब फोन किया तो मैं तो रेडी हूँ बस खाना खा रहा हूँ, निकलते हैं आज जल्दी। और मेरे को कह रहे राकेश जी आया अभी, राकेश आ रहे तब निकलना है। चलो ठीक है भाई, ये पता नहीं आ रहे कुछ, ये तो कुछ भी बोलते हैं। अरे तू लड़की रहा है बता दे मेरे से। मैं थोड़ा लड़ रहा हूँ, मैं तो भाई चाय पी रहा हूँ, कॉफी और चाय वाले लड़ रहे हो तुम। क्यों लड़ रहे हो भाई? हमारा भी होती है लड़ाई लड़ी का। हाँ तू कुछ कहना चाहता है बता दे। कॉफी आ रही है भैया, आप कॉफी ले लो। यार जबरदस्ती दोपहर है, मैं कॉफी पीने के चक्कर में चाय मंगा ली चाय। अरे भाई चाय नहीं पीनी भाई, तो
आई ओ भाई साहब स्ट्रॉन्ग है ना खाओ माँ कसम भैया इसमें चीनी डालो थोड़ी सी ठीक है बताइए आपको तो जब तक होट ना चिपके तब तक मजा नहीं आता ओह ये भी मंगाया क्या सौदा क्या भाई क्या बोलते हैं इसको ओह वाह पहली बार देख रहा हूँ मैं तो डिलीशियस लग रहा है देखने में इसके लिए क्यों नहीं मंगाया भाई के लिए इससे क्या दुश्मनी है मैंने बोला तीन चार पीस दे दो तुम्हारे लिए नहीं मंगाया चलो भाई ठीक है मेरे तो हिरक्के भाई उसके उनके हिरक्के तेरा कहाँ है इसके लिए क्यों नहीं मंगाया भाई मैंने बोला तीन चार पीस दे दो अच्छा उन्होंने तीन दे दिए जैसी भाई को पता लगा ना वीडियो बना रहे ये हो गया पूरा पता नहीं क्यों इतनी एकदम से ह्यूमिडिटी सी हो गई अगर गर्मी सी हो गई नहीं बढ़िया 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 मौसम था है अब तक तो धूप एकदम से निकल गई सारी हाँ एकदम से हो गई भाई धूप चलो कोई नहीं भाई निकल चुके हैं डिवाइन स्टार पंजाबी फैमिली ढाबा कॉफ़ी में चीनी डलवा के ज़्यादा मज़ा आया उससे पहले तो कॉफ़ी इतनी दमदार लगी नहीं भाई और चिप के नहीं चलो फिर चलते हैं रास्ता वैसे तो अम्बाला आने वाला है एग्जैक्ट जिस लोकेशन पर हमें जाना ना वो एग्जैक्ट यहाँ से 64 किलोमीटर है 56 मिनट का रास्ता दिखा रहा है गाइस कुछ ऐसा हुआ है कि मैं सच में नहीं सोच सकता जैसे कि आपने पूरा व्लॉग देखा कि हम अम्बाला गए शूट करने के लिए वो होटल दोबारा हमने उससे पहले एक और लोकेशन शूट करी हमने उसके बाद जाके होटल शूट किया तो होटल में कुछ भी आवाज़ें नहीं आई कोई भी आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई पिछली बार हो सकता है कि हमसे ये चीज़ पता नहीं क्या हुआ जो भी हुआ लेकिन इस बार कुछ नहीं ऐसा तो मैं लोगों के सामने ये रियलिटी रख सकता हूँ लेकिन मैं जैसे ही मैं घर पे आया और मैंने मेमोरी कार्ड को लगाया लैपटॉप के अंदर तो जो मैं देखा रहा भाई उसके बाद मैं स्पीचलेस हो गया और बहुत डिस्टर्ब है मेरा माइंड इस टाइम बहुत ज़्यादा क्योंकि मैंने आके देखा कि जो भी हमने होटल रिकॉर्ड किया था ना जो भी हमने वहां पे वीडियो बनाई थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है इससे पहले की सारी क्लिप्स रिकॉर्ड हुई है जो हमने दूसरी हॉन्टेड जगह पे की है लेकिन ये वाली क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुई है डोंट नो गाइस मुझे सच में नहीं पता ये क्या हुआ है क्यों हुआ है ऐसा लेकिन बहुत ज्यादा इस चीज ने मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया मैं दिखाता हूँ आपको दिखा देता हूँ मैं आपको ये रहा लैपटॉप और ये मेमोरी कार्ड है ये देखो ये चार क्लिप्स यही जो सारी रिकॉर्ड हुई है यही वीडियोस रिकॉर्ड हुई है जो हमने बनाई है वहाँ पर जो दूसरी लोकेशन थी हमारी ये देख लो इसको खुद यकीन नहीं हो रहा कि उस लोकेशन पे ऐसा कुछ था कुछ जाके आ रखा उस लोकेशन पे इसको लगा नहीं ये सारी क्लिप्स रिकॉर्ड हुई है मैं लास्ट वाली क्लिप दिखा देता हूँ आपको लास्ट वाली क्लिप ये है होटल की वीडियो वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुई है वहां पर सब कुछ रिकॉर्ड किया हमने यार इवन मैंने कुछ ऐसी ऐसी चीजें करी कि वहां पर मैं बहुत सारी चीजें लेके गया था जिनके थ्रू मैंने वो चीजें पता करने की कोशिश करी लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैमरे में कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ कुछ भी तो देखते हैं अगली बार फिर से जाऊंगा मैं और हो सकता है शायद मैं लाइव आऊं वहां पर या फिर कुछ भी ऐसा करूं जिससे कि अब समझ नहीं आ रहा है या फिर दो कैमरे से या तीन कैमरे से शूट करेंगे और बार बार चेक करेंगे वहां पे जो भी है लेकिन कुछ तो करेंगे यार क्योंकि इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूजन में डाल दिया मुझे तो बहुत पता नहीं क्या बोलूँगा मैं क्या बोलूँगा अभी इस बात पर यार